नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर कानपुर के गुजैनी से। गुजैनी अंबेडकर नगर पार्क में लगी प्रतिमा पर अराजक तत्वों के द्वारा किया गया पथराव। मॉर्निंग वॉकर्स के द्वारा पुलिस को दी गई सूचना। स्थानीय लोगों में आक्रोश। हालांकि प्रतिमा क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। प्रतिमा के आसपास पत्थर मौजूद मिले। पूर्व में भी अंबेडकर प्रतिमा को तोड़कर माहौल बिगाड़ने का हुआ था प्रयास। गुजैनी थाना प्रभारी के द्वारा प्रतिमा प्रांगण में सीसीटीवी लगाने को किया गया चंदा। फिलहाल माहौल शांत है। कानपुर के अंबेडकर नगर गुजैनी का ये पूरा मामला। लाइव टीवी समाचार से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। आक्रोश भी है लोगों में और ये कई बार प्रयास हो चुका है। इसके पहले आके पेड़ पौधे तोड़ने का प्रयास किया गया और ये शरारती तत्व कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रयास इस तरह करते रहते हैं, इससे यहाँ का माहौल सौहार्द बिगड़े। और मेरी ये प्रशासन से मांग है कि हमारे मसीहा बाबा साहब की जो मूर्ति पे जो इस तरह का जो छत्तीसगढ़ करने की कोशिश की गई है, इसको जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करें और इनकी कड़ी कार्रवाई करने का काम। अब पूर्व में किस तरीके की घटना हुई थी, कब हुई थी और उसके पहले आप लोग ही बता रहे हैं कि एक महीने पहले जो है कई पेड़ पौधे जो है यहाँ पे तोड़ने का काम किया गया शरारती तत्वों द्वारा। इसकी भी लिखित शायद रिपोर्ट इन्होंने दी है जो आज कैसे जानकारी हुई सुबह मॉर्निंग में कैसे पता? मॉर्निंग में सुबह जो यहाँ पे जो कार सेवक जो यहाँ पे आते हैं साफ सफाई करने के लिए और टहलने के लिए लोग आते हैं, उन्होंने देखा यहाँ पे भारी मात्रा में ईंटे पत्थर पड़े हुए हैं और उसके ऊपर जो है निशान लगे हुए हैं। सर तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो काफ़ी मजबूत होने की वजह से तोड़ नहीं पाए जल्दबाजी में। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? अभी पुलिस ने आश्वासन दिया, मैं जा रहा हूँ दोबारा से पुलिस को अपना एप्लीकेशन दे रहा हूँ, पार्टी की तरफ से ज्ञापन दे रहा हूँ ताकि वो दोषियों को जल्दी से। क्या मूर्ति की रिपेयरिंग के लिए चंदा भी दिया जा रहा है? नहीं, बात यह है कि कैमरा लगाने के लिए कि यहाँ पे स्थानीय लोग मिलकर कैमरा लगाए जिससे इसकी सुरक्षा इसकी जो है देख रेख होती है। उसने असल ने भी एस साहब ने भी कहा कि एक कैमरे के पैसे जी बताएं। क्या मैं राम बाबू समिति का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये जो अराजकता हुई है इसके लिए हम लोगों ने शिकायत किया है, 112 नंबर को डायल किया और एसओ साहब को सूचना दी। एसओ साहब आए थे और देखा है और अवलोकन किया है और उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने का भी आश्वासन दिया है। और ये भी बोल गए एक आदमी लगा रहे थे, हमने कहा एक आदमी नहीं कम से कम दो आदमी लगा दिए, एक आदमी लगाने से कोई बात नहीं बनने वाली है। तो उन्होंने दो आदमी लगाने की भी बात कही है और कैमरा लगवाने की बात कही है। एक कैमरे का पैसा उन्होंने बता देने के लिए बल्कि 3,000 रुपये उन्होंने दिए भी हैं और यहाँ जनता का सहयोग मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।